अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जॉन फ्रॉम जेके टेक। और कंपैरिजंस की वीडियो आजकल नहीं आ रही थी, तो बेसिकली एक मसला हो गया था। जैसा कि आपने देखा, टॉप फैन की वीडियोस भी नहीं आ रही आजकल, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो दरअसल मसला हो गया था, ये वीडियो को बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगी है। तो आज मैंने सोचा कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर की जाए। रियलमी नार्जो 30 वर्सेज इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, दोनों एक कह सकते हैं कि सेम प्राइस टैग के फ़ोन हैं। नार्जो 30 को लॉन्च किया गया है 34,000 में, जबकि नोट 10 प्रो को 32,000 में लॉन्च किया गया है। नार्जो 30 अब दराज की सेल पर 33,000 का मिल रहा है, जबकि नोट 10 प्रो जो है दराज की सेल पर नहीं है, लेकिन मिल रहा है 32,000 का। तो ये नोट 10 प्रो ऑफलाइन मार्केट में आ गया, नार्जो 30 का नहीं पता, लेकिन अगर आ गए तो नार्जो 30 के तक का मिल जाएगा और नोट 10 प्रो 29K तक का। तो अराउंड सेम प्राइस के फ़ोन है, तो मैंने सोचा एक कंपैरिजन ज़रूर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का कंपैरिजन। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। काफ़ी जो है ज़बरदस्त डिस्प्लेज हैं दोनों के अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, IPS LCD है, दोनों के अंदर फुल HD+ क्वालिटी के रेजोल्यूशन है, 1080x2400। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में हल्का सा फ़र्क है, जिसको एक बड़ा फ़र्क तो नहीं कह सकते, जिस पे एक पॉइंट दिया जाए, 2460 pixels हैं, जो कि बिल्कुल एक माइनर, बिल्कुल कह सकते हैं फ़र्क ही नहीं है। तो दोनों के अंदर IPS LCD है, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और फुल HD+ क्वालिटी के रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे इक्वल है दोनों की स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं इसके PPI डेंसिटी की। तो PPI डेंसिटी नार्जो 30 की 405 है, जबकि नोट 10 प्रो की 387 है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि पिक्सल डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी नार्जो 30 की, क्योंकि 405 एक बहुत अच्छी PPI डेंसिटी है, तो ज़रूर यहाँ पे नार्जो 30 कोई पहुँच जाता है। नेक्स्ट भाई हम इसकी बात कर लेते हैं सिम की। तो सिम के अंदर दोनों के अंदर ही डुअल सिम लगती है, दोनों के अंदर नैनो सिम है, डुअल स्टैंड बाय दोनों के अंदर है, तो सेम सिचुएशन सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी इनकी स्पेक्स इक्वल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई इसके फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट भाई दोनों के अंदर आपको साइड माउंटेड दिया जाता है। स्पीड आई थिंक नार्जो की ज़्यादा होगी, क्या स्पीड में बिल्कुल हल्का सा ही फ़र्क होता है, बट दोनों का साइड माउंटेड है, तो इसलिए यहाँ पर भी इक्वल है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं बैटरी की। दोनों के अंदर एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है। नार्जो 30 के अंदर 30 वॉट की चार्जिंग है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर 3 वॉट ज़्यादा है, 33 वॉट की चार्जिंग है। दोनों के अंदर टाइप सी है, इसका मतलब दोनों फास्ट चार्जिंग को अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा रियलमी नार्जो 30 को। क्यों जो है इस वजह से, क्योंकि जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो चार्जिंग टाइम लेता है 33 वॉट के अंदर, वो 2.5 घंटे है, तो 2.5 घंटे एक 10 वॉट का नॉर्मल फ़ोन जो है वो चार्ज होता है, और अगर नॉर्मल 30 वॉट की चार्जिंग की बात की जाए तो आपको 1.5 से 1.5 घंटे में बल्कि चार्ज कर देता है पूरा 100। तो यहाँ पे मैं जो है नोट 10 प्रो में मेरे ख्याल से 33 वॉट की सिर्फ एक नंबर की गेम है, बाकी जो है पॉइंट मैं नार्जो 30 को दूंगा। तो यहाँ पे पॉइंट नार्जो 30 को जाना चाहिए, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 33 वॉट सिर्फ नंबर की गेम है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके कैमरा की, जिसके लिए मोस्ट लोग जो है लेते हैं भाई। नार्जो 30 की बात की जाए ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप है। अब ट्रिपल कैमरा जो नार्जो 30 का है वो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और जो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात की जाए तो क्वाड कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एक्स्ट्रा दिया जाता है इधर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। अब कैमरा जो है उसके सेंसर पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर अगर मेगापिक्सल ज़्यादा हैं और कैमरा की क्वांटिटी ज़्यादा है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को यहाँ पर पॉइंट जाता है। नेक्स्ट भाई इसकी बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है। तो नार्जो 30 है 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है रेयर पे, 1080 अगर आप स्विच करें तो आपको 3 FPS का ऑप्शन मिलती है, जिसमें 30, 60 और 120 FPS है। नोट 10 प्रो की बात की जाए तो 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर लेता है,
लेकिन अगर 1080p पर आए तो सिर्फ 30 FPS की आपको ऑप्शन मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट तो नारू 30 को ही जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है 60 और 120 FPS की भी। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा जो है 16 MP का दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम ही स्पेक्स हैं, बस एक वाइड और उसका फ़र्क है, बाकी मेरे ख्याल से कोई फ़र्क है नहीं, तो इसको इक्वली कहेंगे। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट के अंदर कितनी करता है, तो 1080p पे नार्जो 30 जब रिकॉर्ड करता है, और 4K पे दोनों फ़ोन नहीं करते, 1080 max क्वालिटी है और 30 और 120 FPS पे रिकॉर्ड कर लेता है, जबकि नोट 10 प्रो की बात की जाए तो 1080p सिर्फ 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, 120 FPS के यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलती, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पॉइंट नार्जो 30 को ही जाता है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो जायरो EIS जो है नार्जो 30 के अंदर आपको देखने को मिलता है बैक पे, फ्रंट पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। नोट 10 प्रो के अंदर ना बैक पे ना फ्रंट पे कहीं भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसके अंदर आपको एक EIS अच्छा बैक पे मिल जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे भी पॉइंट नार्जो 30 को ही जाता है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर दोनों के अंदर सेम है, मीडियाटेक हीलियो G95 जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और बेहतरीन प्रोसेसर है 30K की रेंज में, अगर आप एक गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त है, दोनों के अंदर G95 है तो इक्वल स्पेक्स हैं। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं GPU की, तो GPU दोनों के अंदर माली का G76 MC4 है, दोनों के अंदर सेम GPU है, ग्राफिक्स दोनों की सेम है, तो यहाँ पे भी इक्वल है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं भाई मेन चीज़ OS एंड UI, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है कुछ फ़ोन छोड़ देते हैं और कुछ फ़ोन लेते हैं, तो दोनों के अंदर एंड्रॉयड 11 आता है, लेकिन UI का फ़र्क है, रियलमी UI नार्जो के अंदर है और जो है XOS 7.6 इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर है। अब यहाँ पे UI का वर्जन मैं नहीं देखूँगा, लेकिन मैं पॉइंट नार्जो 30 को दूंगा, बिकॉज रियलमी का UI वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल UIs में आता है, जबकि इन्फिनिक्स की बात की जाए तो पर्सनली रियलमी भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, पर्सनली टेक्नो भी यूज़ कर रहा हूँ, इन्फिनिक्स भी यूज़ कर चुका हूँ, तो जब मैंने दोनों की UI यूज़ की है तो टेक्नो इन्फिनिक्स का UI एक ही तरीके का है, बस टेक्नो के UI का थीम जो है वो ग्रीन कर दें तो XOS बन जाएगा, तो मतलब इसी तरह का बिल्कुल है सिस्टम, दोनों UIs में टेक्नो इन्फिनिक्स का यूज़ कर चुका हूँ, बल्कि रियलमी के भी यूज़ कर चुका हूँ, तो भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा फील होता है, रियलमी का UI काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और XOS और HiOS के अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, तो स्टेबल और बग्स जो है स्टेबल रियलमी UI 2.0 है और बग्स जो है XOS 7.6 के अंदर है, तो डेफिनेटली UI के मामले में मैं पॉइंट जो है नार्जो 30 को ही दूंगा, और अगर मैं होता तो कंसिडर भी रियलमी UI को ही करता। तो नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं भाई पॉइंट्स रिजल्ट्स, देखते हैं भाई कितने पॉइंट नार्जो को मिले और कितने नोट 10 प्रो को, तो भाई 6 पॉइंट्स रियलमी नार्जो 30 को मिले हैं और नोट 10 प्रो को सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। अब यहाँ पे अगर कोई कमेंट करना अभी जा रहा है कि आपने जो है चार्जिंग पे जो है 33 वॉट को आपने पॉइंट नहीं दिया, 30 वॉट को पॉइंट नहीं दिया, तो जाके वहाँ पे ज़रूर देखें अगर आपने स्किप कर दिया वहाँ से वीडियो, इस वजह से क्योंकि भाई चार्जिंग जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ पे जाके देखें क्यों, मैंने वजह भी बताई है सारी, मैंने बिल्कुल रीजन के साथ बताया। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर मैं होता, मेरा यूजेज होता, तो मैं रियलमी नार्जो 30 लेता, नॉर्मल फ़ोन है, बैलेंस्ड फ़ोन है गेमिंग और कैमरा वाइज, जबकि नोट 10 प्रो को देखा जाए गेमिंग फोकस्ड फ़ोन है, कैमरा भी अच्छा है लेकिन जो है एक ज़्यादा गेमिंग पर फोकस करने वाला फ़ोन है ना, मैं होता तो नार्जो 30 लेता। अगर किसी को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि एक पावरफुल भी हो डे टू डे यूजेज के लिए और जो है कैमरा वाइज भी अच्छा हो तो वो ले सकता है, बल्कि नोट 10 प्रो की बात की जाए तो नोट 10 प्रो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, बल्कि मैं कहूँगा नार्जो 30 भी गेमर्स के लिए अच्छा है क्योंकि गेमर्स को कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक गेमर्स के लिए भी नार्जो 30 सही है, बिकॉज रियलमी का UI जो है वो काफ़ी स्टेबल है।
तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो पे। मैं 2.5 से 3 घंटे बैठा हूँ तो जाके ये वीडियो बनी है। तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ लेके आए। मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो है गोल सजे के टेक का लोगो आ रहा होगा, उसको ज़रूर टच कर लें और जेके टेक्नीशियन बन जाए। हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।